पहली बात तो यह है कि एमडी जो है अपने मुल्क का शहरी भी है और वो अपने वतन की सियासी पार्टियों में दाखिल हो सकता है और जब वो सियासी पार्टी में दाखिल होगा तो उसकी आवाज़ उस ईवान तक भी पहुँचेगी उन लोगों तक भी पहुँचेगी जहाँ वो पीछे रह के नहीं पहुँचा सकता और उनकी जो पॉलिसी बनाने में अगर उसका किरदार है तो वहाँ ऐसी पॉलिसी बनाएगा जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी क्योंकि ईमानदाराना राय अपनी पेश करेगा वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कि जब भी तुम्हारे से राय मांगी जाए ईमानदारी से दो तो इसमें कोई है नहीं है कि सियासी पार्टियों में शामिल हुआ जाए दुनिया में कई जगह शामिल होते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब कॉन्टीनेंट इकट्ठा था, था उस वक्त भी नुमाइंदे हमारे सियासी पार्टी में शामिल होकर नुमाइंदे पार्लियामेंट के बनते थे फिर पाकिस्तान में जब तक अहमदियों को गैर मुस्लिम करार नहीं दिया गया पाकिस्तान में अहमदी नुमाइंदे मरकज़ी पार्लीमेंट में भी और सूबाई पार्लीमेंट में भी बनते रहे फिर यहाँ दुनिया के और बहुत सारे मुल्क हैं अफ्रीका में हमारे बड़ी तादाद है और वहाँ से पढ़े लिखे लोग भी हैं सियासतदान भी हैं शामिल हैं जमात में और वो पार्लीमेंट के मेंबर बनते हैं मिनिस्टर वगैरह भी बनते हैं इस लिहाज से वो अपना मुल्क की बेहतरी के लिए जो किरदार है उसको अदा करने की कोशिश करते हैं इसी तरह यूरोप वगैरह में भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है शामिल हो जाते हैं इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि मुल्क की सियासी पार्टी में शामिल हुआ जाए ना होने की कोई वजह नहीं है जब हम एक शहरी हैं उस मुल्क के तो उस मुल्क का जो भी निज़ाम हुकूमत है उसमें हमारा किरदार होना चाहिए और बेहतर किरदार होना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि ईमानदाराना तरीके पर हम किस तरह मुल्क की और कौम की बेहतर रंग में खिदमत कर सकते हैं और अहमदी भी बहसीियत वतन के शहरी होने के मुल्क के वफादार हैं और उसकी बेहतरी के लिए हर किस्म की मदद करने की कोशिश करते हैं बाकी रह गया मजामती तहरीकें एक तो ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी तहरीक जहाँ तोड़ फोड़ फितना और फसाद हो उससे बचे अगर एक हुकूमत कायम है और हुकूमत की तरफ से कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें ज़रूर एहमदी को शामिल होना चाहिए क्योंकि वो एक हकूमतीकमत अमली है और हुकूमती पॉलिसी है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं उसमें जंग भी शामिल होती है उसमें हुकूमत की फ़ौज में या पुलिस में शामिल होकर अगर लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई करना भी चाहिए जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में एम फौज में शामिल हैं और अपना किरदार अदा करते हैं फ़ौजियों ने उसी से मुल्क की तरफ से लड़ाई करते हैं लेकिन ऐसी तरीकें जो हुकूमत की बैकअप नहीं जिनको जिनको हुकूमत की पॉलिसी जो है उनके उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और वो तरीक़ें सिर्फ आज़ादी के नाम पर अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं ऐसी तरीकों से अहमदियों को बचना चाहिए ऐसी जमातों से बचना चाहिए हाँ अगर हुकूमत कहे कि हाँ कुर्बानी का वक्त है मुल्क और कौम के लिए और फौज में शामिल हो और हुकूमती पॉलिसी के साथ दो तो वहाँ एम डी गुप्त शामिल होना चाहिए लेकिन हर हर पार्टी में शामिल होने से तो फितना और फसाद पैदा होगा और फितना और फसाद बढ़ेगा इसलिए ये तो जायज़ा लेना होगा कि उस जिस पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं जिस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं उसका हुकूमत की नज़र में क्या किरदार है अगर बाज़ दफ़ा ऐसी भी तंजीमें हैं जिनको हुकूमत की पुष्त पनाई होती है या हुकूमत की आशीर्वाद होती है हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही होती है तो उस लिहाज से तो उनमें शामिल हुआ जा सकता है लेकिन वहाँ भी ये देखने वाली बात है कि कहाँ किस हद तक इससे फितना पैदा हो रहा है और अगर चॉइस है कि फितना से बचा जाए तो फिर यही है कि एहमी को तो फितने से बचने की कोशिश करनी चाहिए और नई भी चॉइस तब भी किसी तरह हमत से अपने आप को हर किस्म के फितने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है